हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आरसीआई ऑनलाइन क्लास क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर 3। टुडे वी आर डिस्कस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। वह जो गिवन डेटा है नंबर से उसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना, तो इसको हम डिस्कस करेंगे बार ग्राफ। बार ग्राफ का एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट इन ए लाइब्रेरी। टेबल आपके पास की होने, इसका हमें बार ग्राफ बनाने, ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबाउट डेटा। देखिए ग्राफ, ग्राफ के अंदर एक ये हमारे पास ग्राफ है। ग्राफ के अंदर हमारे पास एक तो एक्स एक्सिस हमारे पास और यहाँ पर वाई एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। अब देखिए ये ओरिजिन 0 से स्टार्ट हो गया। अब ग्राफ के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास गिवन नंबर है उसका हम स्केल फिक्स करें। स्केल होगा हमारे पास 1 स्क्वायर बॉक्स। तो ग्राफ के अंदर स्क्वायर बॉक्स होगा लार्ज, 1 स्क्वायर बॉक्स वो रिप्रेजेंट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो डेटा के अकॉर्डिंग। देखिए मिनिमम नंबर हमारे पास 50 है, मैक्सिमम नंबर हमारे पास है 250 है, तो आप 25 और 50, 1 स्क्वायर बॉक्स 25 को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्स एक्सिस है, अब देखिए तो गिवन टेबल में हमारे पास जो स्टार्टिंग का जो डेटा होगा सब्जेक्ट वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ऑलवेज सेकेंड वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्स एक्सिस में हम सब्जेक्ट राइट करेंगे। अब देखिए बार ग्राफ हमें बनाना, बार ग्राफ मीन्स होता है हमारे पास रेक्टेंगल बॉक्स, इसे रिप्रेजेंट करेंगे गिवन ग्राफ को रेक्टेंगल बॉक्सेस से। लेकिन रेक्टेंगल बॉक्सेस हैं उनकी जो हमारे पास डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए, सेम विड्थ होनी चाहिए। तो ग्राफिकल जब आप ग्राफ में बनाओगे तो स्केल और पेंसिल की हेल्प से बनाना है आपको। सब्जेक्ट एक्स एक्सिस पर हमारे पास सब्जेक्ट होगी, सब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे आपको क्या लेना है सब्जेक्ट। एक्स एक्सिस पे आपको सब्जेक्ट लेना है, ये सब्जेक्ट स्टार्ट गिवन टेबल में जो हमारे पास स्टार्टिंग होता है वो सब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे होगा एंड नंबर ऑफ बुक्स वाई एक्सिस पे होगा हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स वाई एक्सिस। अब देखिए जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइकोलॉजी जियोलॉजी ज्योग्राफी एंड मैथ्स। अब जो हमने स्केल लिया है 1 स्क्वायर बॉक्स, जो आपके पास ग्राफ में स्क्वायर बॉक्स होंगे लार्ज जो स्क्वायर बॉक्स है वो 25 को रिप्रेजेंट करेगा, इट मीन्स सेम डिस्टेंस पर 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 एंड 250। ये हमारे पास वाई एक्सिस पे नंबर, बिकॉज स्केल के अकॉर्डिंग 25 एक जो हमारे पास लार्ज स्क्वायर बॉक्स है 25 के डिफरेंस में हमने, आप 50 भी दे सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है कि आप स्केल क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वही डिफरेंस होगा। ये 25 के डिफरेंस के अकॉर्डिंग नंबर राइट कर दिए वाई एक्सिस। अब देखिए एक्स एक्सिस पर हमारे पास नंबर ऑफ ये सब्जेक्ट्स को राइट करेंगे। फिजिक्स में कितना है हमारा 100। देखिए 100 से स्केल की हेल्प से हंड्रेड तक हमने एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ किया और यहाँ राइट किया हमने फिजिक्स। अब सेम जो डिस्टेंस है हमारे पास सेम डिस्टेंस पर हमें नेक्स्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री राइट करना है, लेकिन 150 पर, ये 150 सेम विड्थ। ये विड्थ भी सेम होनी चाहिए रेक्टेंगल की, तो
तो ग्राफ में तो हमारे पास स्क्वायर बॉक्स होता है वो और रेडीमेड होता है, तो उससे मिस्टेक नहीं आएगी। 150 केमिस्ट्री सी एच शॉर्ट में लिखा केमिस्ट्री सी एच। नेक्स्ट है बायो, सेम डिस्टेंस पर ये बायो का बना दें हमें 75 डेटा मिलेगा। नेक्स्ट है साइक्लोजी 200, देखिए सेम विड्थ पर 200 का, ये 200 हमारा साइक्लोजी। नेक्स्ट है जियोलॉजी 75 अगेन डिस्टेंस हमारे पास से जियोलॉजी। नेक्स्ट जियोग्राफी 50 है हमारा सेम डिस्टेंस पर 50 ज्योग्राफी। नेक्स्ट हमारा मैथ 250 हमारा मैथ तो देखिए बार ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल बॉक्सेस से, लेकिन उन रेक्टेंगल बॉक्सेस की जो विड्थ है वो इक्वल होनी चाहिए। अब ग्राफ में आपका एग्जैक्ट बनेगा बिकॉज वो रेडीमेड उसमें स्क्वायर बॉक्स होते हैं, तो उसको उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें स्केल सेलेक्ट करना है। जो गिवन टेबल में स्टार्टिंग है वो एक्स एक्सिस होता है, सेकेंड वाई एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस पर हमने सब्जेक्ट राइट की रेक्टेंगल बॉक्स के थ्रू, नंबर ऑफ बॉक्स वाई एक्सिस का है और गिवन डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ क्यों बोलते हैं, देखिए बार बनी हुई है इसमें ये बार, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं बार। जो रेक्टेंगल बॉक्स है इन्हें बार ग्राफ। तो ऐसे ही आप एक्सरसाइज 3.3 के बार ग्राफ के जो क्वेश्चन है उनको आप कर सकते हो, लेकिन ग्राफ में करना एग्जैक्ट बनेगा आपके पास बिकॉज ग्राफ में स्क्वायर बॉक्सेस हमारे पास रेडीमेड होते हैं। आपको स्केल सेलेक्ट करना है और ग्राफ में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जैसे सिंपल ये ग्राफ का पेज है, ये आपका एक ग्राफ का पेज सिंपल, तो देखिए ये वाई एक्सिस, ये आपका वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस सिंपल। तो जो गिवन टेबल है उसमें जो स्टार्टिंग डेटा है वो तो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और गिवन सेकेंड है वो वाई एक्सिस, तो इस केस में सब्जेक्ट यहाँ पर राइट करोगे और ऐसे ही बॉक्सेस बने होते हैं इसमें, जिनको ग्राफ में बना के बता देते हैं, इससे एग्जैक्ट बनेगा आपको ग्राफ के अंदर बनाने हैं आपको ये वर्टिकल लाइन या ओरिजेंटल लाइन हमारे पास ऐसे बनी होती है ग्राफ के अंदर, स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, तो एक्स एक्सिस पर आपको सब्जेक्ट राइट करना है जैसे हमने यहाँ किया था सब्जेक्ट, एंड नंबर ऑफ बुक्स वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ बुक्स, और स्केल सबसे पहले टॉप पर लिख रहा है आपको ग्राफ के अंदर 1 square box = 25। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कितना डिफरेंस लेना है, लेकिन जो गिवन डेटा है उसकी रेंज को भी ध्यान रखना है, मैक्सिमम रेंज कितनी यहाँ पर 250 आपके पूरे ग्राफ में आ जाना चाहिए डिफरेंस, तो डिफरेंस स्केल आपको ऐसे सेलेक्ट करना है कि ग्राफ में ड्रॉ हो जाए इजीली। आप सिंपल उसको ड्रॉ करेंगे, देखिए फिजिक्स का जैसे आपको ग्राफ बनाना है, फिजिक्स पे यहाँ पर कितना था 100, तो ये 100 25 50 75 या 100, तो फिजिक्स का ये 100 बन गया, ये स्क्वायर ये 100 हो गया फिजिक्स हमारा।
नेक्स्ट हमारे पास देखिए एक बॉक्स छोड़कर केमिस्ट्री यहाँ पर बनाना है आपको। केमिस्ट्री का हमारे पास कितना है 150, तो केमिस्ट्री को यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है 150। ऐसे ही सो ऑन आप ड्रॉ करना ग्राफ करना जैसे हमने ड्रॉ किया।